हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। इसलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज अगर हम लोग मार्केट में देखें, कल हमने डिस्कशन किया था मार्केट में थोड़ा सा हम लोग स्विंग मार करके चलेंगे। जब भी स्विंग ब्रेकडाउन होगा या फिर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कल हम लोगों ने प्लान किया था, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, ये स्विंग के नीचे, तभी सेल करना है, या फिर 38,550 के इसके ऊपर निकलता है तभी ट्रेड करना है। इसके बीच में मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से प्लान हुआ। और उसके बाद जहां पे ये ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर देखने मिला। मॉर्निंग आवर में नो डाउट ये ब्रेकडाउन होने का कोशिश कर रहा था मिडिल आवर्स के अंदर, लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया 38,400 के आसपास। जब कल का प्रीवियस डे था, क्लोजिंग था, उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया। मॉर्निंग से ही कंटिन्यूसली एक इनसाइड कैंडल चल रहा था और उसी को ब्रेकडाउन जब किया, एक अच्छा मोमेंटम उसी फेवर में हुआ। लेकिन हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे कैंडल था। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ध्यान से सुना। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अभी अगर आपको सेलिंग का प्लान करना है, जस्ट फॉलो द मार्केट। जब भी स्विंग ब्रेकडाउन होता है, हम लोग सेल करेंगे। अभी सिंपल सा रूल यही है कि 35,400 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि प्रीवियस टाइम 38,500 के ऊपर हम लोग सोच रहे थे, प्राइसेशन के हिसाब से 38,400 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, अभी कहां पे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन हमने आपको बताया था, मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास रहता है, वी हैव टू इग्नोर द ट्रेड। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। तो इस तरीके से कौन सा वॉलेटिलिटी एरिया होगा, ये ट्रेंड का 50% अगर देखेंगे, समवेयर अराउंड 35,200 के ऊपर अगर ओपन होता है, लेट्स इमेजिन इसके ऊपर ओपन होता है, यू हैव टू इग्नोर द डे। इसके बाद आपको वॉलेटिलिटी रहेगा, ये साइडवेज मार्केट मिलेगा, क्योंकि यहां से इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि नहीं ब्रेकडाउन कर दे, या फिर इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि नहीं 300 पॉइंट मूव होने के बाद, 200 पॉइंट मूव होने के बाद फिर और मूव करे, देन इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं ये डे के लिए आप लोग स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के लिए प्लान कर सकते हो। तो 38,200 के ऊपर ओपन हुआ और यहां पे सस्टेन कर रहा है, 5-10 मिनट इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वी हैव टू इग्नोर द डे। लेकिन इसके नीचे कहीं पे खुलता है, 35,050 क्रॉस करता है, क्योंकि स्विंग क्रॉस करता है तो हमको ट्रेड करना है। आज तक 5 या 6 दिन हो गया, इसने कभी प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया है। अगर इस बार ब्रेक करता है, 38,000 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हुआ, कल ओपन हुआ था, फिर ऊपर चला गया, अगर ये फिर से ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 34,900-800 ये लेवल तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो कल फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 38,000 के नीचे 5 मिनट ट्रेड करे, फिर हम लोग 78 रुपये स्टॉप लॉस डाल के हम लोग प्लान कर सकते हैं 100 से 150 रुपये का स्टॉप मतलब टारगेट के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स इमेजिन 34,900-800 खुल जाता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेल करने का एरिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवरनाइट पोजीशन रखे होंगे, यहाँ से उन लोग को प्रॉफिट बुक करने दो। जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे, डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक होगा, नियर अबाउट 35,000 से लेकर 34,950 इसी लेवल के अंदर कहीं पर अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है, फिर यहाँ पर हम लोग अगर सेल करेंगे तो ये पुल बैक हुआ, सेलिंग के लिए आया, डायरेक्ट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस हिट किया, फिर उसके बाद हम लोग फिर ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट बताऊंगा कि मतलब बहुत सारे लोगों मन में ये चल रहा होगा, क्या ये सेलिंग स्टार्ट हो चुका है, क्या नीचे की तरफ आ सकता है, तो इतना आपको प्रेडिक्ट करने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया सिंपल, मार्केट सेलिंग के लिए हमेशा फास्ट आता है, करेक्ट, और बाइंग के लिए अपना लेवल होल्ड करता है, गैप अप कर करके ऊपर जाता है। यहाँ पे अगर ये होवर कर जाता है, होवर इन द सेंस, कल अगर मान लीजिए कि नहीं, अगर ये 34,500 से लेकर 700 या 800 के बीच में अगर क्लोज नहीं देता है, सॉरी 34,700 से लेकर 500 से लेकर 700 या 800 तक इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ से लेकर इस एरिया के अंदर अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो इट्स नॉट ए सेलिंग मार्केट। क्योंकि मार्केट अगर नीचे खुला 100-150 पॉइंट गया, फिर क्लोजिंग समय अराउंड 35,000 के आसपास या फिर 38,000 के ऊपर दे रहा है, तो यहाँ पे होवर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे ट्रेड किया, यहाँ बाइंग प्रेशर था, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स इट्स ए ट्रेंड, होल्ड कर रहा है, फिर ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ। अगर सेलर को नीचे लेके मार्केट आना है, तो ये रेंज को निकालने के बाद, क्योंकि कभी भी ये प्रीवियस टाइम ब्रेक नहीं किया था, वंस ये ब्रेक करने के बाद इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम आ सकता है। दैट मीन्स कल हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या ये सेलिंग प्रेशर में है या नहीं है, तो कल हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग के साइड। अगर ये होल्ड करता है, देन इट्स फॉर ए बाइंग मार्केट, अगर ये कंटिन्यूस चला जाता है, देन वी विल गोइंग टू गेट ए वेरी गुड मूव इन डाउन साइड। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा वीक है, जैसे हम लोग कल भी डिस्कशन किए थे। कल हम लोगों ने प्लान किया था 16,160 के नीचे हम लोग एक क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी परचेस करेंगे, उसके बाद फुल क्वांटिटी हम लोग की स्विंग ब्रेक करने के बाद। इसके ऊपर ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है, जिस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी प्लान किए थे। यहाँ पे मार्केट नो डाउट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा रिवर्स हुआ 16,160 तक, जहां से ये प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल तक जाने का, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है और ये रेजिस्टेंस टेस्ट भी हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग को बाइंग 16,120 या 30
निफ्टी के ऊपर प्लान करना चाहिए। यहाँ इसके ऊपर हम लोग को बाइंग प्लान करना चाहिए, इसके नीचे हम लोग कंटिन्यू सेलिंग करके करने का प्लान करेंगे। तो हम लोग का अगर मार्केट लेट्स इमेजिन 16,080 के ऊपर ओपन होता है, विल इग्नोर द डे, बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। थर्सडे के लिए फिर हम लोग एक स्ट्रैंगल मार्केट क्रिएट कर लेंगे 15,950 से लेकर 16,250, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है। अगर ये फ्लैट खुलने के बाद फिर से क्रॉस करता है 16,040, हम लोग वहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 25-30 रुपये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुला तो सिमिलर प्लानिंग हम लोग करेंगे, वेट फॉर ए पुल बैक 16,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस जब बनाएगा तभी हम लोग फिर इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। चलिए भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक प्राइस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया था, अगर आपको याद नहीं है तो कल का वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोगों ने एक एम पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट किया था। मार्केट ये ऊपर की तरफ मूव किया है, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग के लिए 2450 का टारगेट रखे थे एक दिन पहले, उसके बाद यहाँ पे फिर से रिवर्सल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये मार्केट फर्स्ट पुल बैक में मतलब एग्रेसिव हम लोग सेल नहीं कर सकते, फिर ये सेकंड टाइम आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चांसेस आर वेरी है, अगर ये कंटिन्यू करता है हम लोग को पहला टारगेट 2450 होना चाहिए जो उसी के आसपास क्लोज हुआ है। अगर ये एग्रेसिव आता है, ये लो ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर कंटिन्यू हो सकता है कहाँ तक, जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है समय अराउंड 2400 से लेकर 2430 यहाँ तक ये मूव कर सकता है। तो एक अच्छा स्पेस यहाँ पे बन चुका है, एक एम्पेंटर हो चुका है, जितना लोग ऑप्शन सेल किए होंगे मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर आप लोग प्लान करना तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो ये कंटिन्यूशन में अभी जा सकता है, इसके नीचे हम लोग के 2400 तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, हो सकता है एक दो दिन लगे लेकिन यहाँ तक जनरली एक प्लान हो जाना चाहिए 2410 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पे 2448 अगर ये क्रॉस करता है 10 रुपया स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अगर हम लोग देखेंगे बहुत टाइम तक इसी लेवल पे बना रहा, ब्रेकआउट के लिए मैं सोच रहा था लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं, और अभी देखेंगे ये फिर से 3 दिन एक रेंज के अंदर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको जाना है। अगर ये कल गैप अप खुलता है गोइंग टू इग्नोर, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद 584 के ऊपर अगर खुले वी हैव टू इग्नोर, अगर लेकिन 581, 582, 579 ये सारे लेवल पे खुलता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। 578 के नीचे जाने के बाद हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसको थोड़ा सा वॉचआउट करना है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है बहुत अच्छा पैटर्न में अभी बना हुआ है, अगर ये गैप अप खुल जाता है वेल एंड गुड, हम लोग इसको टच नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे अगर देखें ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट पुल बैक था, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने का ये कोशिश कर रहा है, इसका नेकलाइन यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। 845 के नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, तो 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये सस्टेन कर रहा है, अगर हम लोग देखें 2-3 दिन इसी लेवल के आसपास ओवर कर रहा है, 1700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम टिल 1720 नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ये पहुंच सकता है। तो कल हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 1700 ये क्रॉस अगर करता है तो हम लोग 6-7 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है मोर देन 0.5% या 1% के ऊपर, मतलब 10-15 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है नीचे की तरफ, या बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर फ्लैट रेंज में खुलता है 1700 या फिर 1698, क्योंकि 2-3 रुपये पहले 1700 का हम लोग प्लान कर सकते हैं बाय करने के लिए, 10 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक, फ्रेंड्स अभी इतना ही, थैंक यू।